मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देख रहे हो सामने पैरेकिट बैठी है, लाइव चल रहा है सामने वाले पेड़ में। शेडो इफेक्ट कहते हैं इसको। पे मैंने जो शटर स्पीड है 250 रखी हुई है, अपर्चर 5.6 है और ISO 2000 है। 3:15 हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं आगे तरफ ट्रैक करता हूँ, अगर मुझे कोई भी बर्ड्स मिलती है। अभी तक मुझे बर्ड्स नहीं मिली, आवाज़ें आ रही हैं। मैं भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहा हूँ कि मतलब फ़ोटोज़ से ज़्यादा वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो उनके बर्ड्स का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, अकेले हूँ, सोलो निकल रहा हूँ इस फॉरेस्ट में। अक्सर लुक देख रहे हो फॉरेस्ट का, इस तरह का फॉरेस्ट है पूरा, ये देखो देख रहे हो सामने की तरफ मैं निकलूँगा, चारों तरफ फॉरेस्ट है। तो चलते हैं सीधे सीधे, कौन कौन सी बर्ड्स मिलती है मुझे वो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। अभी तो कुछ मिला नहीं है अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, क्योंकि उसके लिए हाइडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट मैं इवनिंग फ़ोटो वॉक के लिए आया था, देखता हूँ फिर भी मुझे मिलता है कि नहीं, हल्का फुल्का कुछ भी। इस एरियाज़ में जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट मिलते हैं, ठीक है, तो वो नेस्ट भी मैं ढूँढ रहा हूँ, अभी तक मिले नहीं है, वर्किंग नेस्ट नहीं मिले मुझे। तो इस फॉरेस्ट में अभी टाइगर का उतना कुछ नहीं है, बट लेपर्ड का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं यहाँ पे। इस एरिया में जो लोग लोकल लोग वॉक करते हैं ना, तो उनको लेपर्ड मिलते हैं। तो मैं फ़िलहाल अलोन हूँ, देखता हूँ मुझे क्या क्या मिल सकता है। अजीब सा डर सा लग रहा है, देखते हैं। ओह शिट, अरे यार, बट ये नेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वाला नेस्ट वर्किंग में नहीं है। एक नेस्ट मिला है मुझे इस पेड़ के नीचे, देखो ये जो पेड़ दिख रहा है सामने, इसके जस्ट ऊपर एक नेस्ट है, ऐसे काला काला दिख रहा है, इसमें ढंग से दिखेगा नहीं, ये वर्किंग में भी नहीं है। तो यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, और ढूंढते हैं कुछ और। एक नेस्ट मिला वर्किंग में जस्ट अभी, एक वहाँ से पैरिकेट उड़ के गया, वहाँ से आसपास भी होंगे, लेट मैं आपको दिखाता हूँ। एक पीछे क्लिक करके देखता हूँ, यहीं पे थोड़ी देर वेट करूँगा मैं, आगे यहीं पे लगाऊँगा, क्योंकि ये जो पीछे जो दिख रहा है ना, यहीं पे मैं लगाऊँगा, क्योंकि पीछे वर्किंग नेस्ट है, तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्री मिल सकती है, हल्की सी शूट मिल सकता है, क्योंकि पैरिकेट वहीं से उड़ के निकला था। तो थोड़ी देर में यहीं पर आसपास, ये जो सामने पेड़ के नीचे, यहीं पर इस वाली लोकेशन में थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, और यहीं पर अपना कैमरा सेटअप करके बैठ जाऊँगा। देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पहले 15 वेट करता हूँ, फिर देखता हूँ मिलता है कि नहीं। अगर बिहेवियर मिल आना जाना लगा रहता है तो मैं और ज़्यादा वेट करूँगा। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पहुँच जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हाथ की क्या हालत हो रखी है अभी। तो चलो यहाँ से अच्छा लुक आ रहा है, जस्ट इस साइड पे ही है आसपास, यहीं पे है, जो आपको सामने वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इधर पे ही है। फ़ोन में आपको इसमें ढंग से दिख नहीं रहा है, बट मैं भी यहाँ पे कैमरा को सेट करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। कैमरे को पहले सेट कर लेते हैं,
इस लोकेशन पे मैंने अपने कैमरा को सेट करके रख दिया। नेस्ट में मैंने फोकस करके रख दिया, अभी वीडियो ऑन नहीं करी। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैं देखूँगा कि अगर वीडियो जितने भी आपकी पैरिकेट्स आती हैं उस लोकेशन में पहुँचती है तो उसी टाइम मैं वीडियो को ऑन कर दूँगा और डॉक्यूमेंट्री शुरू हो जाएगी कि मतलब वो पैरिकेट्स अपने बच्चों को कैसे फीड कर रहे हैं और कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट में कोई दूसरा बर्ड्स भी आ रही हैं, उसको किस तरीके से वो डिफेंस कर रहे हैं, वो सेल्फ डिफेंस में क्या कर रहे हैं, हर चीज़ मुझे मिल सकती है। क्योंकि अभी जो टाइम है अभी 3:32 हो रहे हैं, 3:30 बज चुका है। वो देखो उस एरिया में थोड़ा ऊपर पैरिकेट बैठा है, मैंने सेट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो ये मैंने यहाँ पे इसको फोकस में रख दिया। देखो जो आपको ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये रेड वाला, ये ग्रीन, यहीं पे वो जगह है और जस्ट इसके ऊपर साइड पे है, मैंने यहाँ पे फोकस करके रख दिया है। रुको ये देखो, देखते रहो, उड़ गया। अभी बिल्कुल 15 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, और अभी भी मेरा पॉइंट उस कैमरे में चल रहा है। मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। हाथ की हालत दिखाता हूँ मैं आपको, रुको, ये देखो, ये देख रहे हो किस तरीके से हाथ की हालत करी है मैं, पूरे मुँह में इधर इधर सिर में भी कर रखा है मच्छर। यहाँ से ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास फोटो ब्लाइंड में लेके नहीं आया, ठीक है। तो आसपास मुझे नज़र भी रखनी पड़ेगी, पीछे पूरा आसपास पूरे लुक देखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इस एरिया में, कॉन्फिडेंस उनकी बहुत ज़्यादा है। स्नैक्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे आसपास, रेन फॉरेस्ट है ना इसलिए। अभी तक आया नहीं है, दिखा दूँ मैं आपको, अभी भी फोकस नहीं है कैमरा ना, बस मैं आपको लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे आया नहीं है, शांति है पूरा उस एरिया में, कैमरा लगा के रखा है मैंने। पूरा लुक देखो फॉरेस्ट का, शायद आज लक इतना अच्छा नहीं है। हल्की सी क्लिप डाली है वो जो आपने देखी अभी, इससे और अंदर मैं अभी जाऊंगा नहीं, रात हो जाएगी, अकेला हूँ यार, क्या करूँ। थोड़ा सा और वेट करके देखता हूँ क्या आता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने जो शटर स्पीड है 250 रखी हुई है, अपर्चर 5.6 है और ISO 2000 है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही हैं, ठीक ठाक है, ठीक है। थोड़ा एक्सपोज थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन मैंने अच्छे के लिए थोड़ा ठीक हो जाए इसलिए वहाँ पे रखा है मैंने। आसपास आवाज़ आ रही है बट वो मिल नहीं रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं। तो मुझे अभी उस वाली लोकेशन छोड़ के सामने की लोकेशन में एक पैरिकेट दिखा है, बट एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा अजीब सा आ रहा है, बट बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देख रहे हो सामने पैरिकेट बैठी है, लाइव चल रहा है सामने वाले पेड़ में। ये इधर ही कोई देख रहा है, देख रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, शेडो इफेक्ट कहते हैं इसको, बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है और ये देखो उड़ गया, देख रहे हो उस एरिया में बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट था और जो आपकी पैरिकेट थी उसका अच्छे से व्यू नहीं आ पा रहा था।
तो मुझे अभी उस वाली लोकेशन छोड़ के सामने की लोकेशन में एक बैरिकेड दिखा है, बट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अजीब सा आ रहा है, बट बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे हो, सामने पैरिकेट बैठी है, लाइव चल रहा है सामने वाले पेड़ में। ये इधर ही कोई देख रहा है, देख रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, शेडो इफेक्ट कहते हैं इसको, बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा अच्छी पिक्चर्स आए, बट इसका भी गलत फ़ायदा है। यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट हो रही है, पीछे था इस वाली लोकेशन में ज़्यादा अच्छी मोमेंट हो रही थी, यहाँ बैठने चाहिए मुझे। काफ़ी टाइम निकल गया है, आधा घंटा और वेट किया, रात होने को जा रही है। शायद कैमरे में आपको इसमें दिख रहा होगा उजाला है, बट बहुत ज़्यादा रात होने को जा रही है। और यहाँ से मैं 10 किलोमीटर अंदर पे हूँ, और मच्छर ने बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी, और अभी तक आधे घंटे से वो दोबारा उस नेस्ट में वापस नहीं आया। दोनों जो बर्ड मतलब जो आपकी पैरिकेट्स हैं, आवाज़ आ रही है बट वो उड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से अब, सॉरी आज की फ़ोटोज़ जितनी थी वही मैं ले पाया, आज के लिए मैं निकल रहा हूँ। मैं आपको हालत दिखाता हूँ किस टाइप की। ये हाथ देख रहे हो, पूरा इसमें ढंग से नहीं दिख रहा है, पूरा हाथ इधर वाला हाथ पूरा एकदम जैसे लोगों ने हालत ख़राब कर रखी है। बार बार मुँह में घुसने, देखो फेस देखो क्या हालत हो रखी, सूज गया है पूरा, ब्लैक कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ से निकलता हूँ सब बंद करके, चलो यहाँ से निकलते हैं। सीधे वॉक करूँगा सामने की तरफ, सीधा निकल जाऊँगा यहाँ से। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक की थी, फ़ोटोग्राफी करते करते खो गया था, टाइम देखा नहीं, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो यहाँ से मैं सीधा वॉक करते करते, काफ़ी लंबा वॉक करना पड़ेगा, मैं कुछ फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करूँगा, यहाँ से सीधे निकल जाऊँगा मैं। हालत ख़राब कर दी मच्छरों ने, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। चलो चलता हूँ फिर मैं।